सो गुड आफ्टरनून एवरीवन चलिए शुरू करते हैं क्लास तो कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा है सिलेबस का डिस्कशन बहुत बढ़िया तरीके से कर लिए थे और इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख लिए थे डेफिनेशन देख लिए क्या होता है कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या है तो ये डेफिनेशन था कल की क्लास का हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर मुख्य रूप से चार ही कार्य करेगा मुख्य उसकी कार्य प्रणाली के चार हिस्से होते हैं एक इनपुट देता है एक प्रोसेसिंग करता है एक आउटपुट देता है और एक वो स्टोरेज भी करता है इसी को भंडारण भी आप हिंदी में कहते हैं यहाँ तक हो गया था इसके बाद हमने कुछ विशेषताएं देखी थी जिसमें उसके सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है विशेषता होती है गुण बोल लो आप लोग वो कौन सा गुण होता है वो होता है उसकी गति सबसे पहले इसको इस्तेमाल ही इसलिए किया गया था क्योंकि फास्ट है हमसे ठीक है यही बात है अगर इसके बाद थोड़े और बोले तो ये सारे इतने सारे आपने हाँ देखा था हमने कुछ क्वेश्चन किया था एमसीक्यू कल का वीडियो आप सब जरूर देख लेंगे जो आज पहली बार देख रहा है आप जरूर देखेंगे कल की वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कशन किया है इंट्रोडक्शन शुरू किया था तो सिलेबस डिस्कशन से आपको हेल्प मिलेगी कि आपको इस विषय को तैयार कैसे करना है प्रश्न कौन कौन से हिस्से से आते हैं पूरा कंप्लीट आपको कल के लेक्चर में बताया गया है क्लियर तो यहाँ पे देखेंगे आगे देखेंगे हाँ बिल्कुल नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह का चिंता मत करिए जैसे ही आपकी रेगुलर बैच शुरू होगी आपको नोट भेज दिया जाएगा आप उसको केवल प्रिंट आउट करेंगे और उसको ही पढ़ा करेंगे इवन आप को एक दिन पहले भेज दिया जाएगा आप प्रिंट करके रखेंगे मैं यहाँ क्लास में बता रही हूँ आप अपने नोट्स में टिक लगाते जाएंगे दैट्स इट एक्चुअली कारण यह है विमला कि मेरा जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा ही स्टैटिक और टेक्निकल है इस विषय को अगर मैं बिना चित्र के बिना इस तरीके के क्रिएटिविटी के बताऊंगी ना तो आप बोर हो जाओगी आप एक घंटे तो क्या आप आधे घंटे भी इसको नहीं पढ़ पाओगे यही वजह है कि यहाँ पे बहुत सारे चित्रों का पीपीटी का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि ये विषय की डिमांड है ठीक है जहां पे जरूरत रहेगी वहां पे आपको बिल्कुल लिखा जाएगा आपको समझाने में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी ठीक है नहीं। नहीं। तो यहाँ पे था ये तो बहुत थियरिटिकल पार्ट है तो इसको इसी तरीके से हमको देखना पड़ेगा ज्यादा बेहतर है हम देख रहे हैं और एक एक अंदर इसको इलेबोरेट कर रहे हैं तो विशेषता के बाद हम लोग देखते हैं कुछ उपयोग उपयोग वैसे तो आप जानते हो कि कंप्यूटर का उपयोग आजकल हर क्षेत्र में किया जा रहा है बट फिर भी कुछ क्षेत्र के नाम याद करना पड़ेगा जैसे दो लिखा है यहाँ डेटा प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसिंग समझना कल के उदाहरण मैंने एक लिया था कल की क्लास में कि हम कोई भी इमेज ले रहे हैं उस इमेज को एप्लीकेशन के माध्यम से एडिट कर रहे हैं एडिट करके स्टोर कर रहे थे और उसको हम लोग फर्दर यूज कर रहे थे क्या रहा है तो बिल्कुल इसी को ही बोला जाएगा डाटा का प्रोसेसिंग मतलब यहां पे आपने इमेज लिया उसका प्रोसेसिंग किया वहां पे आपने ऑडियो लिया उसका प्रोसेसिंग किया वीडियो लिया प्रोसेसिंग किया तो ये डाटा प्रोसेसिंग वहीं पे अगर वर्ड प्रोसेसिंग की बात की जाए तो वर्ड को प्रोसेस करना इसी स्लाइड में आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे से ये एकदम सिस्टमेटिक लिखा है वन टू थ्री फोर करके बढ़िया नंबर डाला है सब में बुलेट्स हैं यहाँ पे देखिए उपयोग करके लिखी हूं जिसको अंडरलाइन करी हूं कलर चेंज करी हूँ यही है वर्ड की प्रोसेसिंग आप जहां जानते हो सबसे प्रचलित वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर वर्ड होता है ध्यान है है ध्यान तो यही है आपका दो प्रमुख काम कंप्यूटर के एक डाटा को प्रोसेस करना और एक वर्ड को प्रोसेस करना दूसरा शिक्षा में होता है हम सभी जानते हैं स्कूल कॉलेज में होता ही है शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो जा रहा है आप सभी जो मुझे ऑनलाइन अभी देख पा रहे हो ये इसी का एक उदाहरण है कि हम कैसे कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में कर रहे हैं दूसरा क्या है आपका बैंक बैंक में होता ही है आप आजकल देखे मैक्सिमम काम बैंक में जाओ तो सिस्टम से होता है चिकित्सा मेडिकल साइंस के फील्ड में ये होता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है सूचनाओं का आदान प्रदान इंफॉर्मेशन का भी एक्सचेंज हम करते हैं आप सभी को मालूम है ईमेल सबसे पहले बनाया गया था ईमेल बनाया ही इसलिए गया था ताकि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संदेश भेजा और प्राप्त किया जा सके मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान कौन संभव बनाता है आपका बनाता है इंटर आपका बनाता है कंप्यूटर रक्षा या डिफेंस के फील्ड में भी इस्तेमाल हो रहा है रेलवे और एयरलाइन रिजर्वेशन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है वैज्ञानिक अनुसंधान लिखता है साइंटिफिक रिसर्च साइंस के फील्ड में भी इसका इस्तेमाल है कंप्यूटर का और आजकल डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है जितनी भी किताबें हम अपने हार्ड कॉपी के रूप में आप देखते हैं वो सभी आपको सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होते हैं ठीक है तो ये है आपका डिजिटल लाइब्रेरी अगला कहता है संचार मतलब कम्युनिकेशन में हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्पेस टेक्नोलॉजी में होता है उद्योग और व्यापार मतलब जो इंडस्ट्री और बिजनेस का फील्ड है ना वहां भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है मनोरंजन मतलब रिक्रिएशन के फील्ड में किया जा रहा है गेम खेलने में भी जिसको कुछ नहीं आता है ना कंप्यूटर में उसको गेम खेलना तो आता ही आता है तो ये कंप्यूटर के सारे एप्लीकेशन है उपयोग है मनोरंजन और गेम खेलने के साथ साथ ये प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है आप सभी जो है कंप्यूटर इसलिए ही पढ़ रहे हैं ताकि आप सब हॉस्टल वार्डन बन के जाए और वहां आपको कंप्यूटर ही ऑपरेट करना पड़ेगा डेटाबेस या जो भी चीजें बनाने के लिए यहां पर प्रकाशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है इसका मतलब है इसका उपयोग अब हर क्षेत्र में किया जा रहा है हर क्षेत्र में इसने अपनी पकड़ बना ली है तो ये था आपका उपयोग दूसरा टॉपिक तो मैंने आप सभी को बताया था हम टॉपिक वन और टॉपिक टू मतलब जो परिचय है और उपयोग है इन दोनों को एक साथ कवर कर रहे हैं इसमें एक आपने देखा कल विशेषताएं एक देख रहे हैं गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स और देखा था एक हमने अभी देखा उपयोग और अब हम लोग तीसरा देखते हैं एक इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक सीमाएं सीमाएं मतलब होता है लिमिटेशन लिमिटेशन मतलब कंप्यूटर देखो एवरी कॉइन हैज टू को सबकी कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी भी बातें होती हैं कंप्यूटर बहुत अच्छा है सभी क्षेत्र में ये बहुत बढ़िया कर रहा है बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं बट इसका एक डिफरेंट साइड भी है सेकेंड साइड दैट इज इसका लिमिटेशन इसका सीमा कि क्या क्या कंप्यूटर से हमको नुकसान या परेशानी भी होता है तो सबसे पहला फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस एंड हैकिंग अटैक एक साथ लिखा है दोनों ध्यान देंगे वायरस एंड हैकिंग अटैक तो आप ये इमेज देखिए इस इमेज में आप बता सकते हैं क्या कि इसमें से हैकर कौन है हैकर कौन है राइट right वाला है कि लेफ्ट वाला है बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर था है ना इतना मूवी वगैरह में तो हम लोग देख ही लेते हैं हाँ जो हुडी पहन लिया टोपी लगा लिया चश्मा वश्मा तो हैकर टाइप का लगने लगता है जो भी है वही है तो यहाँ पर यही है हैकर और ये हैकर का मतलब है कि यह आपके सिस्टम में आपके नेटवर्क में बिना आपके अनुमति के क्या करेगा प्रवेश करेगा और बिना आपके अनुमति के ये आपके सिस्टम को प्रवेश करेगा और आपके सिस्टम में रखी जानकारियों से डेटा से छेड़छाड़ करता है

डाटा को मिसप्लेस कर देगा मतलब अगर आप लोकल डिस्क सी में रखे हो वो डी में दिखेगा उसको रीनेम कर देगा आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे आपका फाइल फाइल नहीं मिलेगा आपके फाइल और डाटा को करप्ट भी करता है तो खूब सारे इसके काम होते हैं और यही कहलाता है वायरस तो वायरस और हैकिंग अटैक कंप्यूटर का एक नुकसान है लिमिटेशन है याद रखेंगे दूसरा क्या है आपका ऑनलाइन साइबर अपराध पहले क्या होता था पॉकेट मारी तक बस शामिल सीमित था अब क्या है ऑनलाइन भी अपराध होने लगे हैं साइबर अपराध पैसे की धोखाधड़ी आए दिन आप लोग सुनते रहते हो न्यूज में क्या क्या सुनते हो टेक्निकल टर्म बता रही हूं सुने हो बहुत अच्छा है नहीं सुने हो याद रखना स्पूफिंग फिशिंग विशिंग स्मिशिंग पैकेट स्निफिंग स्मर्फिंग है ना ये बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं इसका एक सेपरेट क्लास होता है इंटरनेट के बाद ठीक है तो ये सब जो जितने भी मैंने अभी टर्म्स बोले ना ये सभी आपके ऑनलाइन साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं ये सभी आपके क्या है कंप्यूटर की सीमाएं हैं कि कंप्यूटर बहुत अच्छा है हमारा काम आसान तो कर रहा है लेकिन यह साइबर अपराध मतलब कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन होने वाले अपराध को बढ़ावा दे रहा है ठीक है तो ये दो हो गया बेरोजगारी बेरोजगारी का क्या मतलब है कंप्यूटर कैसे बेरोजगार कर सकता है किसी को किसी को आइडिया है क्या हाँ एग्जैक्टली मैन पावर की जरूरत कम हो जाती है मैंने आपको कल बातों बातों में बताया ही था कि जब एक कंप्यूटर आया ना तो माना जाता है तो वो आदमी तो बेरोजगार हो गए क्योंकि सामने वाले को लगेगा भले एक बार मैं खर्च करके लाऊंगा कंप्यूटर और लगा दूंगा अब बार बार हर महीने उनको तनख्वाह क्यों दूंगा तो ये सब कारण से बेरोजगारी भी बढ़ी है तो कंप्यूटर का एक सीमा बेरोजगारी भी आता है शारीरिक गतिविधि की कमी समस्याएं मतलब कि कंप्यूटर के कारण आपका जो है ना शारीरिक गतिविधि में क्या होने लगी कमी होने वाली है एक जगह आइडल सेटिंग करके दिन भर कंप्यूटर में काम करते रहते हैं तो इससे बहुत सारे शारीरिक प्रॉब्लम आती है समय बर्बाद करने वाला एक्चुअली मैं बता दूं आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं इतने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इवन दो आप सभी का स्मार्टफोन भी ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं टीवी है चाहे आप कंप्यूटर बोले मोबाइल बोलो टैब बोलो ये सब एडिक्टिव होते हैं मतलब इनको डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि ये आपको बार बार मजबूर कर देंगे खुद को इस्तेमाल करने में तो ये एडिक्टिव नेचर के हैं करके इसको समय बर्बाद करने वाला बोल रहे हैं दूसरा बोलता है सीखने की क्षमता में कमी हमको क्या लगता है कंप्यूटर तो सब कर लेता है तो हम क्यों सीखेंगे तो इसीलिए हम क्या करते हैं कंप्यूटर पर निर्भर हो जाते हैं और हम सीखने की क्षमता में क्या होने लगी है कमी और ये भी कंप्यूटर की एक सीमा है विद्युत पर निर्भरता बिजली की बर्बादी कहीं कहीं पे ये बिल्कुल लिखा होता है विद्युत पर निर्भरता का मतलब है कि कंप्यूटर के कंप्यूटर का, का, का काम कब तक ही संभव है जब तक उसको आप विद्युत की आपूर्ति दे रहे हो पावर सप्लाई चली गई तो आप उस उसपे काम नहीं कर सकते अगर आप यूपीएस भी लगा दोगे कोई बोलेगा मैम यूपीएस लगा के काम करेंगे तो वन जो पावर का यूपीएस है वो भी दो घंटे ही उसको चलाएगा उससे ज्यादा नहीं चला सकता इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है उसको विद्युत पर निर्भरता होती है बिजली की बर्बादी मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल हो रहा है और एक उसका छोड़ बिजली की बर्बादी भी माना जाता है दूसरा क्या है बुद्धि मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसको इसके पास स्वयं का कोई भी बुद्धि नहीं होता भावनाहीन मतलब कि क्या बोल सकते हैं इमोशनल लेस इमोशन लेस

तो यहाँ पर हाँ रोबोट के जैसा रोबोट क्या होता है बुद्धिहीन होता है उसके पास स्वयं का कोई इंटेलिजेंस नहीं है और ना ही उसके पास कोई फीलिंग्स है ठीक है तो रोबोट मूवी आप देखे होंगे अगर उसमें बुद्धि और उसमें भावना आ जाए तो वो विनाश भी, भी कर देता है तो यहाँ पे ये था अभी आप सभी का लिमिटेशन सीमाएं इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं कुछ तथ्य पढ़ते हैं ये सभी फैक्ट हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स पे पूछे भी गए हैं और आने की संभावनाएं हैं तो ये महत्वपूर्ण तथ्य कंप्यूटर से रिलेटेड है फर्स्ट क्लास में परिचय के रूप में इसको मैं बताती हूँ पहला कहता है दो दिसंबर को क्या मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस विश्व बोल रहा है ये है ना मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे किया जाएगा वर्ल्ड लेवल पे तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है दो दिसंबर को क्या कारण है दो दिसंबर को ही मनाने का तो दो दिसंबर को अमेरिकी रक्षा विभाग अमेरिकी रक्षा विभाग ने किसका प्रयोग किया था बोल रहे हैं अर्पानेट अर्पानेट क्या चीज है अब? तो अर्पानेट के बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ते हो इंटरनेट वाले टॉपिक में फिलहाल आप ये याद रखना कि ये है दुनिया का दुनिया का क्या है ये प्रथम इंटरनेट बस इतना अभी याद रखेंगे जिन लोग नए हैं वो लोग भी कि ये दुनिया का प्रथम इंटरनेट प्र... इंटरनेट का बीज बोलते हैं इंटरनेट की आधारशिला जो बोलिए तो अर्पानेट जो है वो दुनिया का प्रथम क्या है इंटरनेट है और इसका जो आपका इन्वेंशन है वो दो दिसंबर को किया गया था इसीलिए दो दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है वो 1969 की बात थी अर्पानेट का जब आविष्कार किया गया था इसका फुल फॉर्म भी होता है आगे आपको बताया जाएगा अभी फिलहाल हमारा फैक्ट है हमारा फैक्ट क्या है कि दो दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्या होता है साक्षरता का मतलब ये भी एक बार पूछा गया था तो कंप्यूटर साक्षरता का मतलब है आपको कंप्यूटर की कार्य क्षमता के बारे में पता होना चाहिए काम केवल इतने से नहीं बनेगा ये माउस है ये कीबोर्ड है ये मॉनिटर है ऐसे नहीं आपको बेसिक काम करने उसमें आना चाहिए माउस रन करने कीबोर्ड दबाने आना चाहिए तो ये होता है कंप्यूटर साक्षरता बेसिक काम आना है। एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करेंगे अपनी एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करिए अगर वीडियो और ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है तो ओके ऑल क्लियर है हाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करिए हमारे तरफ से दिक्कत तो वैसे टेक्निकल कोई भी नहीं है ठीक है वहीं पे अब हम लोग दूसरा देखते हैं इसके नीचे जो लिखा हुआ है दो टर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ पर एक लिखा है एम और एक लिखा है फ्लॉप्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में इनका फुल फॉर्म पूछा गया है पहले का फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और दूसरे का होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड एक बोलता है कंप्यूटर की गति कंप्यूटर की गति को मापते हैं और एक क्या बोलता है सुपर कंप्यूटर की गति अब दोनों में फर्क है एक कंप्यूटर लिखा है और एक सुपर कंप्यूटर लिखा है ठीक है तो दोनों में फर्क है आपको याद करना है कंप्यूटर की गति मापने का मात्रक है एम आई पी एस वहीं पे सुपर कंप्यूटर की गति मापने का मात्रक कौन सा होता है एफ एल ओ पी एस फ्लॉप्स क्या होता है फ्लॉप्स क्लियर है तो ये होता है फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इन दोनों के फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं तो फुल फॉर्म जरूर याद रखना है एक है कंप्यूटर की गति मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड और एक होता है फ्लॉप्स इज सुपर कंप्यूटर की गति ठीक है तो आपको कल बताया गया था कि कंप्यूटर डाटा और निर्देश दोनों को मानता है डाटा और निर्देश दोनों को मानता है डाटा के रूप में आप की बोर्ड से एबीसीडी वन टू थ्री फोर देते थे और निर्देश के रूप में आप की के एडिशनल बटन क्लियर स्क्रीन आपका जो बैक स्पेस एंटर आल्ट फंक्शन ये सब देते थे ओके okay, तो ये है आपका एम और है आपका फ्लॉप्स दोनों का याद रखना है एक का है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और एक का है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड भारत में पहला कंप्यूटर थोड़ा सा कंप्यूटर का इतिहास जानेंगे कि कब आया था ठीक है तो कब आया था पहला कंप्यूटर तो आपको याद रखना है एक सीक्वेंस एक सीक्वेंस याद रखना है चलो सीक्वेंस याद रखते हैं हम लोग आजाद हुए थे उन्नीस में 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था यहां से शुरू कर रहे हैं इसके बाद आप एक ईयर याद रखना उन्नीस इस समय आप याद रखना सबसे पहला प्रथम क्या हुआ था स्थापित हुआ था प्रथम कंप्यूटर क्या हुआ था बोल दीजिए यहाँ पे स्थापित हुआ था दूसरा एक ईयर याद रखना है 1986 लगभग इसके तीस साल बाद और इस समय आप याद रखेंगे प्रथम क्या हुआ था कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था तो ये दो पॉइंट मैं आपको बता रही हूं एक मैंने बताया आपको प्रथम स्थापना और एक बताया प्रथम प्रयोग प्रथम स्थापना का वर्ष है आपका 1956 और एक है आपका 1986 थोड़ा सा समझना इसको कहता है कि पहला कंप्यूटर कलकत्ता में कलकत्ता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में छप्पन में लगाया गया था और जो प्रयोग है 16 अगस्त 1986 सौ भी याद रखेंगे चलेगा बेंगलोर के कहाँ पे प्रधान डाकघर जो मेन पोस्ट ऑफिस होता है ना उसमें क्या किया गया था पहला कंप्यूटर को इस्तेमाल किया गया था तो लगा था कलकत्ता में उपयोग हुआ है छियासी से भारत के बेंगलोर के प्रधान डाकघर में जबकि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा है कि भारत का पूर्ण कंप्यूटर फुल्ली कंप्यूटराइज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है तो वो कौन सा है नई दिल्ली दो अलग अलग फैक्ट है ध्यान रखेंगे थोड़ा सा सब फैक्चुअल बातें हैं इसके अंतर्गत तथ्य ही पढ़ना है है ना तो याद रखना है इसके बाद कहता है कि ये सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर उतने देर से बोल रही हूँ आखिर ये है क्या तो आप सब इसको याद रखेंगे ये अलग से सेपरेट टॉपिक तो है ही फिलहाल इंट्रोडक्शन ये कहता है कंप्यूटर तो आप समझ गए कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर का नाम संगणक है कंप्यूटर वर्ड से लिया गया है काम होता है कुछ गिनता है गणना करता है अच्छा ये कंप्यूटर तो गणना करता है ये ह्यूमन से फास्ट है क्या बिल्कुल है लेकिन आपको बता दें कि इस कंप्यूटर जो साधारण कंप्यूटर हमारे घर ऑफिस में होता है उससे भी कई सौ गुना तेज एक कंप्यूटर होता है उसका नाम होता है सुपर कंप्यूटर क्लियर हुआ उसका नाम होता है सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम सुपर इसलिए है क्योंकि उसका गति सबसे तेज होता है सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में ना इस बात की होड़ मची होती है कि हम सबसे तेज कंप्यूटर बनाएंगे मतलब सुपर कंप्यूटर बनाएंगे तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बहुत समय तक जापान का जो फुगाकू है सुने होंगे नाम वो नंबर वन पे था मतलब पूरे विश्व में उसके फुगाकू से तेज कंप्यूटर कोई था ही नहीं लेकिन 2023 में ये रिकॉर्ड टूट गया और रिकॉर्ड टूटने के बाद एक नया कंप्यूटर बनाया गया और वो बनाया गया यूएसए के द्वारा किसी को नाम पता है क्या उसका किसी को नाम पता है जो वर्तमान में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम बिल्कुल सही अलका का आंसर परफेक्ट है फ्रंटियर नाम है उसका मतलब कि सुपर कंप्यूटर बन रहा है ठीक है सुपर कंप्यूटर बन रहा है भारत में आप देखो छप्पन में रखा है छप्पन में आके रखाया छियासी में क्या हुआ पहली बार इस्तेमाल हुआ लेकिन विद इन फोर ईयर्स उन्नीस सौ क्या आ गया है नब्बे क्या बोल रहे हैं उन्नीस सौ नब्बे विद इन फोर ईयर्स विद इन फोर ईयर्स उन्नीस सौ नब्बे इक्यानबे में भारत ने भारत ने अपना प्रथम प्रथम क्या बना लिया है सुपर कंप्यूटर भारत ने अपना प्रथम सुपर कंप्यूटर भी बना लिया है और इसका नाम बार बार एग्जाम में पूछता है उसका नाम क्या है परम आठ हजार तो इस, इसका नाम क्या है भारत द्वारा सुपर कंप्यूटर का परम आठ हजार वेरी गुड तो आपको एक सीक्वेंस याद कराने के लिए इसका सहारा लिया गया है सैतालीस में हम लोग आजाद हुए पचास में संविधान हुआ छह साल बाद पहली बार रखाया कहा रखाया कलकत्ता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में पहला प्रयोग हुआ बेंगलुर के प्रधान डाकघर में छियासी तीस साल बाद उसके बाद विद इन फोर हमने अपना प्रथम सुपर कंप्यूटर बना लिया भारत ने और उसका नाम क्या था परम आठ हजार क्लियर हो गया सभी को तो यहां तक था ये फैक्ट पढ़ रहे हैं है ना इसके बाद आपका फैक्ट ही है भी थोड़ा सा तो यहाँ पे आप देखना एक और फैक्ट आएगा वो फैक्ट क्या कहता है अब सोचो इंक्यानवे में हमारे यहाँ बनना शुरू हो गया है इक्यानवे में बन के आ गया है परम मतलब भारत भी उसमें शामिल हो गया है सुपर कंप्यूटर बनाने वाले देश में शामिल हो गया है हालांकि हम बहुत पीछे हैं लेकिन शामिल तो हो गए हैं नब्बे इक्यानबे तक हो गए हैं बट क्या हुआ हम इस क्षेत्र में पीछे थे तो एक योजना शुरू की गई आप सभी को पता है जिस क्षेत्र में हमको काम करना होता है भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलती हैं तो इस क्षेत्र में एक योजना शुरू की गई ईयर याद रखना आप लोग 2015 हजार पंद्रह 2015 में एक योजना शुरू किया गया और इस योजना का नाम था एन एस एम एन एस एम इस योजना का नाम था एन एस एम नेशनल सुपर कंप्यूटर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इस योजना का नाम था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू किया गया अब इस योजना के थ्रू क्या हुआ पता है जो सुपर कंप्यूटर हमारे, हमारे एक आध दो साल में एक इस बनता था, उसमें तेजी हो गई उसमें गति आ गई और आपको बता दू की एन के तहत एकदम इंपॉर्टेंट है याद से याद कर इसको याद से अलग से लिखना एन के तहत जो हमारा पहला पहला सुपर कंप्यूटर है एन एस एम के तहत जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है 2019 में बना और उसका नाम पता है क्या दिया गया परम शिवाय उसका नाम दिया गया परम शिवाय उसका नाम दिया गया परम शिवाय इस तरीके से तो यह है आपका एक डेटा एक फैक्ट इसको इजी किया गया है आप सभी के लिए ध्यान रखेंगे सैतालीस पचास तक आप सीक्वेंस शुरू करना 56 में पहली बार रखाया था में पहली बार शुरू हुआ ये कलकत्ता की बात है और ये बेंगलुरु के प्रधान डाकघर की पंद्रह में एक मिशन शुरू किए हम लोग पहला सुपर कंप्यूटर इक्यानवे में आया फिर पंद्रह में उसको तेजी करने के लिए मिशन चलाए मिशन कहलाता है एनएसएम भारत सरकार के द्वारा ये मिशन चलाया जा रहा है और इस मिशन के तहत इनका पहला पहला सुपर कंप्यूटर बना जिसका नाम क्या दिया गया परम शिवाय आप सब जानते हैं कि ये जो परम नाम है ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का है यही वजह है कि जितने भी सुपर कंप्यूटर आगे बनते हैं ना उसके नाम में परम वगैरह जोड़ देते हैं आप देखोगे आगे परम सिद्धि परम एरावत परम प्रवेगा बहुत सारा आता है जिसमें परम परम जोड़ना पड़ता है तो ये है आपका सुपर कंप्यूटर का छोटा सा कंसेप्ट तो समझ आया आप सभी को क्या हुआ था प्रथम सुपर कंप्यूटर जो भारत ने बनाया उसका नाम परम आठ हजार है आज भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है आपको ध्यान रखना है परम आया तो भी लगाओगे परम आठ हजार आया तो भी लगाएंगे तो परम आठ हजार बना है इनबे में ये बन गया है आप सभी को देखो चित्र के साथ मेरा विषय बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है ये देखिए ये है क्या है आपका परम और ये है आपका परम कंप्यूटर देखिए कुछ ऐसा दिखता है कितना बड़ा आकार है आपको आकार भी आज से याद रखना है कि पूरे कमरे के आकार का दिखने वाला ये कंप्यूटर होता है और इसका नाम है परम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बताया गया है ठीक है तो ये है आपका परम तो परम के बारे में आपको मैंने बताया अभी तो परम के बारे में यहाँ बताया अब आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी को कल बताया गया था कि कंप्यूटर का क्या होता है एक स्ट्रक्चर होता है जैसे कि आप जानते हैं इसके मुख्य भाग में कौन कौन से होंगे तो एक इसका मॉनिटर होता है एक इसका कीबोर्ड होता है एक इसका माउस होता है और एक इसका सीपीयू होता है चार हिस्से होते हैं अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें देख लेते हैं कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पता है कौन होता है इसका सीपीयू ठीक है ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर है आपका कंप्यूटर का इस पूरे कंप्यूटर का ये सीक्वेंस आप सब याद रखेंगे इस पूरे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये मैंने एक कंप्यूटर बनाया है यहाँ पे इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इसका सीपीयू जो यहाँ बना है अलग से ये इसका सीपीयू तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है सीपीयू ये सीक्वेंस पूछता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सीपीयू सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इसका मदरबोर्ड इसका क्या होता है मदरबोर्ड तो ये आप इसके बाद लिखोगे इसके बाद जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो क्या है मदरबोर्ड इंग्लिश हिंदी दोनों में ऐसे ही याद रखना है इसको मदरबोर्ड इसके बाद इसका जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो होता है इसका माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर तो इसको याद रखेंगे उसका महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है इसका माइक्रोप्रोसेसर मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो केवल और केवल सपोर्टिंग है आपको याद रखना है आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका सीपीयू और इसके सीपीयू का हिस्सा है मदरबोर्ड और उसके अंदर आ जाएगा माइक्रोप्रोसेसर ठीक है तो ये है आपके कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा इसी से रिलेटेड एक बात है कि यदि आपको फैक्चुअल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर का आया हुआ है कंप्यूटर का हृदय कौन है हार्ट ऑफ द कंप्यूटर तो माना किसको जाएगा सीपीयू सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दूसरा बोलता है कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो देखिए ब्रेन क्या करता है याद रखता है चीजों को मतलब ब्रेन में हमारे चीजें स्टोर होती हैं मतलब मेमोरी वाला काम है तो मेमोरी यूनिट को मेमोरी यूनिट को ही क्या कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क और कंप्यूटर का अगर तंत्रिका तंत्र बोला जाए तो वो होता है कंट्रोल यूनिट यही पे थोड़ा सा आगे आइए यही पे थोड़ा सा आगे आइए कंसेप्ट बताते हैं सीपीयू जो है ना जो सीपीयू के बारे में मैं इतना बात कर रही हूं इस सीपीयू के भी कुछ और पार्ट होते हैं बहुत ध्यान से सुनना ये सीपीयू का भी कुछ पार्ट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म कौन बताएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग और क्या है आगे यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सीपीयू का एक फुल फॉर्म है इस सीपीयू के तीन और हिस्से होते हैं एक होता है ए एल यू एक होता है एमयू और एक होता है सी यू ठीक है ए एल यू मतलब होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सारी गणितीय संक्रियाएं यहां पर होगी अरिथमेटिक आ गया मतलब ये हिस्सा क्या करेगा गणितीय संक्रियाओं को करेगा गणितीय संक्रियाएं मैथिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस जगह पे होती है एमयू मतलब क्या होता है इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है मेमोरी यूनिट इसका मतलब होता है मेमोरी यूनिट सारे डेटा का भंडारण कौन करेगा ये यूनिट करेगा और सी यू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट इसका मतलब होता है कंट्रोल यूनिट सभी जितने भी ऑपरेशन ऑपरेशन को कंट्रोल कौन करेगा ऑपरेशन को कंट्रोल कौन करेगा उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ आप एक साथ मल्टीपल एप्स चलाते हो आप एक साथ दुनिया भर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कनेक्ट रखते हो अपने कंप्यूटर में मतलब कि आप मोबाइल का ही बात सुनो मोबाइल आप पकड़े हो और ब्लूटूथ ईयरफोन जोड़े हो उसमें और उन दोनों में जो कोऑर्डिनेशन है वो कौन देखेगा उसका कौन ध्यान रखेगा तो कंट्रोल यूनिट रखेगा ये आसान भाषा में समझ समझना इसको तो ये बात है तो सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसके तीन महत्वपूर्ण हिस्से हैं कौन कौन से हिस्से हैं ए एल यू एम यू और सी यू यही पे ही तो मैं वो समझा रही थी कि जो आपका जो आपका ये जो आपका सीपीयू है कंप्यूटर का क्या कहला रहा है ये कंप्यूटर का कहला रहा है हृदय सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी को क्या बोल रहे हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क कंप्यूटर का क्या बोल रहे हैं मस्तिष्क ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और कंट्रोल यूनिट को क्या बोल रहे हैं कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र बायो वाले लोग इसको समझते होंगे बाकी लोग नर्वस सिस्टम करके जरूर सुने होंगे नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कहलाता है कंट्रोल यूनिट हमारे शरीर में भी होता है आप अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखे हो तो पूरी नसों के माध्यम से सारे शरीर में हमारे फैला होता है हमारा नर्वस सिस्टम और यही नर्वस सिस्टम संदेश पहुंचाता है ब्रेन से सारे बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल वैसे ही आपका सीयू जो होता है वो नर्वस सिस्टम किसका कहलाएगा कंप्यूटर का तो उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक यहाँ तक समझ आया होगा लोग हैं हैं है आप सभी को, 99 people are there, a huge number. आप सभी सभी को बता सकते अच्छा, पेमेंट कौ, में दिक्कत हो रही है आ, तो प्रॉब्लम आपके ब्लूटूथ एयरफोन में हो सकता है आप स्पीकर लगाकर सुन लीजिए स्पीकर में सुनिए बात को हाँ उसी नंबर पे बात कीजिएगा जलेश्वरी हाँ मैं बिल्कुल कंसर्न करूंगी जा करके कि क्यों ऐसा रिप्लाई वगैरह का दिक्कत आ रहा है ठीक है हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी रहेंगे तो ये था आपका तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना है ठीक है एनएसएम के बारे में और किसके बारे में सुपर कंप्यूटर तो एक क्वेश्चन आया था ये देख लीजिए 2022 का क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को आप बता सकते हो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है बताओ कौन है मस्तिष्क कौन होता है मस्तिष्क कंप्यूटर का बहुत बेसिक बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी चल रहा है आराम से बस इसको सुनते जाना है हाँ। तो A, B, C, D, क्या लगा के आओगे बिल्कुल देखिए मस्तिष्क बोला है वो अभी हम लोग देखे थे कि सीपीयू सीपीयू में क्या क्या था एक था ए एल यू एक था एमयू और एक क्या था सीयू तीन ही पार्ट होते थे ए एल यू मतलब arithmetic logic unit, जितने बार मौका मिले ना दोहराना है तब जाके दिमाग में छपेगा मेमोरी यूनिट मतलब MU, control unit मतलब सी यू अब मस्तिष्क किसको बोल रहे थे हम लोग मेमोरी यूनिट को बोल रहे थे मेमोरी यूनिट को ही तो मस्तिष्क बोल रहे थे ना मस्तिष्क तो ये मस्तिष्क अब यहां ऑप्शन में देखो सीधे सीधे व्यापम ऐसे लिख के देता है वो क्या लिख दिया है ए एल यू अब आप समझो तो जिसको ए एल यू का मतलब पता है वो तुरंत जान जाएगा कि वो सीपीयू का तो पहला हिस्सा है मेमोरी यूनिट बोला है ठीक बोला है सीपीयू देखो सीपीयू समझना है ऐसे पेंसिल से वहां पे सी यू सी यू मतलब ऐसे सी यू तो देखो सारा कुछ आप जानते हो और इसका मस्तिष्क वाले का आंसर हो जाएगा मेमोरी यूनिट परफेक्ट आंसर मेमोरी यूनिट इन केस आप एक और चीज सुनना क्योंकि ऑप्शन में वेरिएशन भी होते हैं अगर इन केस इस पूरे प्रश्न में मेमोरी यूनिट को नहीं दिया है और कुछ और वर्ड दे दिया है तब आप उस केस में सीपीयू लगा के आएंगे क्योंकि आखिर मेमोरी यूनिट सीपीयू के ही अंदर होता है तो ये अप्रोच आपको लेना है ओके ठीक है तो ये है आपका ऐसे ही और क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बताइएगा कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहते हैं कल बताया गया है इस बारे में भौतिक घटक जिसको भौतिक रूप से देख सकते हो छू सकते हो और जो भौतिक रूप से देख और छू नहीं सकते वो होता है सॉफ्टवेयर हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भौतिक घटकों को सॉफ्टवेयर बोलेंगे हार्डवेयर बोलेंगे ए एल यू की सीपीयू देखो फिर से क्या दे दिया है ए एल यू फिर से क्या दे दिया है सीपीयू हाँ दिक्कत होगा यहाँ पे देखो भौतिक घटकों को सॉफ्टवेयर तो नहीं बोलेंगे तो उसको काट दी मैं अब यहाँ पे तीन दिया है हार्डवेयर ए एल यू सीपीयू आप इन दोनों को भी देख सकते हो और छू सकते हो मतलब ये दोनों भी क्या है हार्डवेयर है ये दोनों भी क्या है हार्डवेयर है मतलब ये भी हार्डवेयर है ये भी हार्डवेयर है लेकिन यदि हार्डवेयर अलग से लिख दिया है तो आपको आंसर बी को लेना पड़ेगा बी को लोगे तो सब उसमें शामिल हो जाता है ठीक है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर वेरी गुड ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी का बिल्कुल भी आ, क्लास से कोई भी संबंध नहीं है है ना टेक्निकली इनका कोई संबंध नहीं होता है आपस में कंप्यूटर में सीपीयू की गति की मापने की इकाई कौन नहीं है लेटेस्ट क्वेश्चन है कौन सी इकाई नहीं है बोल रहा है कल और आज की क्लास में मिला के जितना जानते हो उससे ये बन जाएगा बिल्कुल सही अपूर्व बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर तो एम आई पी एस फुल फॉर्म क्या होता था बताओ मिलियन इंस्ट्रक्शन आगे क्या पर आगे क्या सेकेंड बिल्कुल ये क्या है आपका मापने की गाई होती थी कंप्यूटर की गति बोलते थे इसको यहाँ पे ना एम फ्लॉप्स दिया है एम को जाने दो आप फ्लॉप्स तो सुने हो मेरे से क्या होता था फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड जितने बार दोहराएंगे जितने बार लिखेंगे उतना याद होगा पर सेकेंड ये किसकी गति होती थी सुपर कंप्यूटर की गति और ये किसकी गति होती थी कंप्यूटर की गति तो दो तो चलो मिल गया दो गति तो होता है गीगा हट्स याद आता होगा कल बताई थी मैं कि आपके प्रोसेसर प्रोसेसर बोलने का मतलब माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर की गति को किससे मापते हैं हर्ट्स में मतलब गीगा हर्ट्स भी एक मात्रक है लेकिन लास्ट वाला जो है ना जीबी वाला ये आपका एक गति का मात्रक नहीं होता है जी का मतलब होता है गीगा बाइट और जहां पे ये बिट बाइट निबल वाले शब्द आ गए तो ये आपका मेमोरी यूनिट होता है मेमोरी मापने की इकाई मेमोरी मापने की इकाई मतलब ये इंग्लिश मीडियम वाले लोग याद रखेंगे ये मेमोरी यूनिट है हिंदी वाले इकाई याद रखेंगे तो ये गीगाबाइट जो है ये कंप्यूटर की गति में नहीं मापता ये उसका मेमोरी साइज बताता है मतलब यही क्या है इसका आंसर है बहुत बढ़िया हाँ समीर ने एक रास्ता दिया है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का आप उसमें जा सकते हैं जिनको दिक्कत जा रही है तो ये है इसके बाद ये बताइए जरा आंसर मुझे ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है कौन सा कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है लेटेस्ट क्वेश्चन है हाँ तो सीपीयू सीपीयू का मतलब पता है यही पे फुल फॉर्म फुर लेते हैं सेंट्रल आगे क्या प्रोसेसिंग आगे क्या यूनिट सबसे मध्य का सबसे महत्वपूर्ण है प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ए एल यू अभी अभी बताया था आपको मैंने एक तो क्या था सीपीयू जान गए ए एल यू फुल फॉर्म क्या होता था अर्थमेटिक के बाद एल फॉर लॉजिक लॉजिक के बाद यूनिट सीयू सी यू का फुल फॉर्म हमको पता है कंट्रोल और कंट्रोल के बाद यूनिट लेकिन एक और नया शब्द आया है यहाँ पे यूपीएस करके यूपीएस फुल फॉर्म कौन बताएगा अन इंटरप्टिबल अन इंटरप्टिबल पावर सप्लाई और पीछे एक लगा देना छोटा सा यूनिट ये है आपका यूपीएस अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूनिट आप सभी ने देखा होगा किन्हीं के पास कमरे में कम, घर में कंप्यूटर होगा ऑफिस में होगा वो जानते हैं सीपीयू के बाजू में एक हम छोटी सी इस तरीके की मशीन रखते हैं और इसी को कहते हैं हम यूपीएस जब पावर सप्लाई बंद हो जाती है बिजली चली जाती है तो ये कम से कम पंद्रह मिनट और मैक्सिमम दो घंटे तक कंप्यूटर को जीवित रख सकता है ये क्या करने के काम आता है यदि आप कोई काम कर रहे हो अचानक से बिजली जाएगी तो डेटा पूरा लॉस हो जाएगा सेव नहीं हुआ रहेगा तो तो ये आपको बचाने के काम आता है तो यूपीएस मतलब होता है अन इंटरप्टेबर पावर सप्लाई पावर सप्लाई देते रहना बिना किसी बाधा के इंटरप्ट मतलब बाधा बिना किसी बाधा के पावर सप्लाई की आपूर्ति होना तो अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई और आपको याद रखना है कि यह एक क्या है हार्डवेयर है है ना यह एक हार्डवेयर है तो ये हार्डवेयर है और ये प्रमुख भाग है क्या नहीं है तो प्रमुख भाग कौन सा नहीं है ये वाला नहीं है क्योंकि आपको अभी अभी बताया गया था कि कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं तो प्रमुख भाग में कौन कौन था सबसे पहला आपको था कंप्यूटर का सीपीयू सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर आगे पूरा डिटेल आएगा इसका चिंता नहीं करना है सीपीयू का प्रमुख भाग अंदर कौन कौन सा एएल यू सी यू इसका मतलब है ये जो प्रश्न है ना इस प्रश्न में आप पाए हो सीपीयू प्रमुख भाग है ए एलयू है सीयू भी है नहीं कौन सा है यूपीएस ये इसका द्वितीयक भाग है सहायक भाग है बोल दो लगाया तो ठीक नहीं लगाया तो ठीक ऑप्शनल भी रहता है ना हाँ तो ये है आपका ठीक है तो ये है आपका तो ये हो गया आपका और यहां पे एक फाइनल क्वेश्चन है जिसका कहना है कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाएगा तो क्या कहलाता है कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की उपयुक्त सभी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की उपयुक्त सभी तो आपको बताया गया था कि जब आप इनपुट के रूप में ग्रहण करेंगे उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम मिलता है ना उसको आउटपुट तो बोलते हो उसको प्रोसेस्ड डाटा भी बोल सकते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग मिला मतलब प्रोसेस्ड डाटा संशोधित आंकड़ा बोलते हैं जिसको है ना तो यही है आपका तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपके लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा इसका आंसर हो जाएगा संशोधित आंकड़ा मतलब प्रोसेस्ड डाटा और वो होगा आपका आउटपुट इनपुट तो होगा नहीं प्रोसेसर गलत है तो शब्द भी होगा नहीं क्योंकि आंसर क्या है आउटपुट तो ये आपका फाइनल मतलब आप इमेज ले रहे हो ना जब एडिट करने के लिए तो आपका खींचा हुआ इमेज इनपुट है प्रोसेसिंग करने के बाद जो मिला वो प्रोसेस्ड इमेज है मतलब वो आउटपुट है ठीक है तो ये होता है ऐसे समझना है एकदम एकदम आसान करके समझना है तो ये हो गया कल की क्लास में हम शुरू करेंगे अपना कंप्यूटर का वर्गीकरण आप देख पा रहे हो यहाँ पे वर्गीकरण के चार आधार हैं कुल मिला के हमको प्रकार देखना है ये हिडन टॉपिक है ये छुपा हुआ टॉपिक है और यहाँ से ये पीढ़ी वाले सवाल से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में हार्डवेयर के आधार पे आपको एक देखना है कार्य पद्धति के आधार पे देखना है आकार के आधार पे देखना है और उद्देश्य के आधार पे देखना है समझना हार्डवेयर इसका मतलब है आपको एक उदाहरण दू वर्तमान में आप जितने भी स्मार्टफोन चला रहे हो चाहे वो विवो हो चाहे वो सैमसंग हो चाहे वो कोई भी हो जितने भी एंड्रॉइड वाले फोन हैं सबके फीचर ना लगभग सेम होते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप सैमसंग चला रहे हो और आपको मैं वीवो फोन दूंगी ना तो मैडम मैं नहीं चला सकता नहीं बोलोगे आप थोड़ा ना थोड़ा उसमें फीचर अलग होगा लेकिन आप चला लोगे इसका मतलब है वर्तमान के जितने मोबाइल है ना इस दो के तेईस के बाईस के ये लोग एक जैसा हार्डवेयर रखे हैं एक जैसा प्रोसेसर है उनके अंदर लेकिन क्या 2024 का मोबाइल और 1990 का मोबाइल दोनों एक जैसा है क्या नहीं उस समय कुछ और लगता होगा मतलब कि समय समय पे हार्डवेयर में चेंजेस आते हैं और जो आपको मैं समझाऊ ना तो देखो कंप्यूटर कब बना है बोलो तो कंप्यूटर का जो सबसे पहला आधारशिला है ना सोलहवीं शताब्दी अबेकस सुना है ना अबेकस से हुआ था मतलब सोलहवीं शताब्दी से लेके दो तक करोड़ों कंप्यूटर बन चुके हैं सबका हार्डवेयर पढ़ पाओगे क्या नहीं तो हम लोग क्या करते हैं ना दस दस बारह बारह साल में बांट लिए हैं मतलब जब से कंप्यूटर अपने मेन अवतार में आया है 1940 के बाद जब से कंप्यूटर अपने मेन अवतार में आया है तो 1940 से लेकर 2024 तक को हम लोग थोड़े थोड़े पार्ट में बांट लिए हैं जैसे अभी कोई भी लैपटॉप दे दो वीवो ले लो आप कोई भी ले लो सॉरी वीवो बोलती हूँ लेनेवो ले लो एचपी ले लो इंटेल ले लो कोई भी लैपटॉप लोगे ना आप कोई भी चला लोगे क्यों क्योंकि सबका फीचर ऑलमोस्ट सेम है तो मतलब ये है कि वर्तमान के जितने भी हार्डवेयर हैं वो एक जैसे हैं प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर है प्रोसेसर बेस्ड मोबाइल है लेकिन पहले क्या होता था याद आता होगा किसी को वैक्यूम ट्यूब रहता था उसके बाद ट्रांजिस्टर वाला रहता था फिर आईसी वाला रहता था ध्यान हाँ, इसका मतलब है कि हर एक दस दस पंद्रह पंद्रह साल में ये अपना हार्डवेयर अपडेट करते हैं तो हमको इनको कुछ पीढ़ियों में कुछ पीढ़ियों में बांट के पढ़ना है और आसान करके बताती हूँ हमारा एक जनरेशन है हम लोग जो हैं '90s के बाद वाले एक जनरेशन है '90s के पहले या हमारे पेरेंट्स का एक जनरेशन है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का एक जनरेशन है हमारे समय जैसा मोबाइल है उनके समय अलग था उनके समय अलग था समझ रहे मतलब कि इसको भी हम कुछ पीढ़ियों में डिवाइड करके दस दस बारह बारह साल के अंतराल में जितने बने हैं ना एक जैसे फीचर हैं तो एक साथ पढ़ लेते हैं तो इसमें पांच याद रखना आप लोग वन जी टू जी थ्री जी फोर जी और फाइव जी साथ में बता दू आया हुआ क्वेश्चन है कंप्यूटर में जी का मतलब क्या होता है तो जी का मतलब होता है जनरेशन और इसका मतलब होता है पीढ़ी तो कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में आपको कल देखना रहेगा क्लियर है तो एक दो तीन चार पांच केवल आज नाम रटना है धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे एकदम से हर चीज में एक दिन में नहीं बता पाऊंगी तो वन जी टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी आप कल देखोगे दूसरा कहता है कार्य पद्धति वर्किंग प्रिंसिपल आजकल सब लोग एकदम स्मार्ट वॉच पहनने लग गए हैं आपका जो आता है है ना सब लोग डिजिटल वॉच पहनने लग गए लेकिन आपको ध्यान है पहले हम लोग ऐसा वॉच पहनते थे ये देखिए है ना ये क्या है एक पुराना तरीके का घड़ी है तो इन्हीं तरीके से समझिए कि आजकल के कंप्यूटर ना डिजिटल कंप्यूटर हो गए हैं लेकिन पहले के क्या होते थे पहले के होते थे एनालॉग तो एक एनालॉग प्रकार पढ़ लेंगे एक डिजिटल पढ़ लेंगे और एक होता है हाइब्रिड हाइब्रिड भी एक प्रकार है और आप सबको बता दू कि ये एनालॉग और डिजिटल को जोड़ दोगे ना मतलब हाइब्रिड क्या होता है एनालॉग प्लस डिजिटल इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो क्या कंप्यूटर बन जाएगा पता है हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाएगा तो एक कार्य पद्धति के आधार पे कुछ एनालॉग कंप्यूटर के प्रकार कुछ डिजिटल कंप्यूटर वाले कैसे होते थे आकार और कार्य मैंने आज ही बताया है सबसे बड़े आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है सुपर कंप्यूटर उससे छोटा कौन सा होता है frame, उससे mini, उससे छोटा छोटा मिनी और माइक्रो मतलब आपको पता होना चाहिए कि घर घर ऑफिस सामान्य काम के लिए जो कंप्यूटर लगाते हो ना आप लोग वो माइक्रो कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर है पता है जो घर में ऑफिस में जो लगा होता है ना माइक्रो कंप्यूटर है वहीं पे उद्देश्य के आधार पर भी कुछ प्रकार होते हैं एक लिखता है जनरल पर्पस एक लिखता है स्पेशल पर्पस। सामान्य उद्देश्य विशेष उद्देश्य। उद्देश्य सामान्य मतलब क्या घर में ऑफिस में विद्यालय में कोचिंग में जो लग रहा है वो सामान्य पर्पस लेकिन स्पेशल पर्पस जैसे सुपर कंप्यूटर घर पे लगाएगा क्या कोई सुपर कंप्यूटर बिल्कुल नहीं उसका पावर और स्पेस ही इतना लेगा वो तो सुपर कंप्यूटर हो गया स्पेशल पर्पस है घर पे नहीं लगाते हैं लेकिन हाँ आप चाहे ये बोल दो मिनी माइक्रो चाहे मेन फ्रेम भी क्यों ना बोल दो ये सब आपके घर पे लगने वाले कंप्यूटर हैं तो ये आपके मतलब जनरल पर्पस कंप्यूटर है खास उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया है तो ये है आपका पूरा वर्गीकरण आपको मैं बता दू कि वर्तमान में वर्तमान में हम लोग वर्तमान में हम लोग पांचवे जनरेशन का डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है और जनरल पर्पस होता है क्लियर है तो ये है आज की क्लास का सार आपको कल इस टेबल को थोड़ा लर्न करके आना है एक मैंने हार्डवेयर के हिसाब से बोला एक कार्य पद्धति मतलब वर्किंग प्रिंसिपल एक बोला मैंने आकार और एक बोला मैंने उद्देश्य तो वर्तमान में हम ये सब कर रहे हैं और कल आपको पता चलेगा ये पीढ़ी क्या बोल रही हूँ क्या मैं जनरेशन जनरेशन बोल रही हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बहुत आसान है ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना रहेगा 20-25 मिनट में जब मैं पीढ़ी बताऊंगी ना तो आप लोग खुद ही आंसर देने लगोगे ठीक है तो कल की क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे हम देखेंगे पीढ़ी फिर ये फिर ये फिर ये सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है ये टॉपिक बट इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं आज भी आते हैं आप पेपर उठा के देख लेना क्लियर है ना? तो यहाँ तक समाप्त करती हूँ मैं इस क्लास को इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा समाप्त हो गया है कल की क्लास में हम इसके प्रकार देखेंगे उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे अपना हार्डवेयर शुरू करेंगे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सीपीयू करके सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे पूरा सॉफ्टवेयर पढ़ने के बाद इंटरनेट जाएंगे और आगे बढ़ेंगे ठीक है तो उम्मीद करती हूँ आपको सभी को ये समझ आया है कोई भी परेशानी हो रही है आपको एडमिशन लेने में तो आप जो नंबर आपको दिए गए हैं उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे व्हाट्सएप करेंगे कॉल करेंगे आपको जरूर करके हम क्या करेंगे रिस्पॉन्ड करेंगे जो किन्ही लोगों को दिक्कत आई है मैं अभी इस बारे में जाकर ऑफिस में बात करती हूँ सारे प्रॉब्लम से रिजोल्व हो जाएंगे ओके ओके तो ठीक है मिलते हैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू